हेलो गाइस, जॉब सभी का दोबारा से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आपको सबसे पहले हर एक जानकारी हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम की सबसे पहले यहां पर मिल जाती है। अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले आप काम गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती, अपडेट नहीं मिल पाता है, कभी भी आप कॉमेंट्स करके पूछ लिया करो, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लिया करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप सभी की हेल्प करने के लिए ही टेलीग्राम ग्रुप बनाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सफाई कर्मचारियों के पदों को लेकर हरियाणा सरकार का क्या कहना है। एचकेआरएन के अंदर नए फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट भरना चाहता है तो भर लीजिए, क्योंकि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। हरियाणा सरकार 15 अगस्त को एक बड़ा आपके लिए तोहफा लेकर आने वाली है, बड़ी खबर आपको मिलने वाली है 15 अगस्त के दिन। नायब सैनी साहब हरियाणा के जो सीएम साहब हैं वो एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि उसमें आपका भी कौशल रोजगार निगम वालों का सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम है, आप उसके भागीदारी है। क्योंकि आपको पता है जिनको भी 5 साल काम करते होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर, उन सभी को पक्का करने वाली है सरकार। वो 5 साल वाले भी हो सकते हैं, 7 साल वाले भी हो सकते हैं, 10 साल वाले भी हो सकते हैं, परंतु अभी तक ये सुनने में आया है कि 5 साल वालों को हरियाणा सरकार पक्का कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों का क्या मैटर रहने वाला है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर 10 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंटली पोस्टें आ रखी है, 9 अलग अलग प्रकार की भर्ती आ रखी है, जिसके अंदर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त के दिन इन सभी को जब सरकार पक्का करने का लेटर जारी करेगी, उसी के आसपास आपको भी रक्षाबंधन के त्योहार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मैसेज मिल सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भी भर्तियां पेंडिंग में है, जिनके ऑफर लेटर सरकार ने नहीं दिए है, उन सब भर्तियों के ऑफर लेटर हरियाणा के सीएम साहब देने वाले हैं। 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आपके जो भी लेटर आएंगे, जो भी मैसेज आएंगे, कुछ डिपार्टमेंटली मैसेज आपको देगी सरकार, क्योंकि जो भी पक्का कर्मचारी होंगे उसके बाद में हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों का भी नंबर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसने फॉर्म नहीं भर रखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, सभी स्टूडेंट अपना दबा के फॉर्म भरो। 10 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है, क्या पता इसमें 40 नंबर वाला का भी इसमें नंबर पड़ सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, पोस्टें खाली पड़ी हुई है, इसमें 40 हो गया, 50 हो गया, 55, 60 जो भी स्कोर आपका जुड़ पा रहा है, एक बार लास्ट मौका आप फॉर्म भर के जरूर देखिए, क्योंकि इस बार वैकेंसियां भी दबा के और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव भी है, आपको पता है, तो हरियाणा सरकार आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट्स लेकर आ रही है। जो भी पक्की घोषणा हो रही है वो आपको बताई जा रही है, चाहे आपका स्कोर 40 हो चाहे 45 हो, अपना स्कोर एक बार कॉमेंट जरूर कर देना और अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर लेना। अगर आपने पहले किसी भी टाइप का कोई सफाई कर्मचारी की पोस्टों के लिए अप्लाई कर रखा था फॉर्म, तो उसके ऑफर लेटर हरियाणा सरकार 15 से 20 तारीख के बीच में आपको देने वाली है, वो 15 तारीख को भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहले जो भी जानकारी आती है, कौशल रोजगार निगम हो गया, कोई भी एचएसएससी विभाग हो गया, सीटी से रिलेटेड कोई अपडेट हो गया, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो पर देखने को मिलती रहती है। अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, कोई अपडेट नहीं मिल पाता है, कभी भी आप कमेंट्स करके पूछा करो। कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती हो, आपके बारे में जो भी रिलेटेड अपडेट्स होगा आपको बताएंगे और हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर लेना, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट आने वाली है और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय है। आपका स्कोर कितना भी जुड़ पा रहा है, एक बार आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना। उसके साथ में आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी लेटर आएगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे, आपके साथ में हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। जो भी लेटर आपको नहीं मिल पाता है आप पूछ के, जो भी चीजें आपको पूछनी हो बिल्कुल आराम से पूछ लिया करो। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।